डोडा बर्फी किसे पसंद नहीं आती है। दिल्ली की ये फेमस मिठाई लगभग सभी बहुत ही मन से खाते हैं और त्योहारों में ये एक बहुत ही बड़ी हिट मिठाई है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे डोडा बर्फी बहुत ही इंस्टेंटली बन के तैयार होगी। बहुत घंटों तक इसे पकाने की जरूरत नहीं है, तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट पल्लवी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और मजेदार रेसिपी। तो यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और इसमें मैं डाल दूंगी करीब 2 टेबलस्पून देसी घी और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप दलिया। वैसे तो डोडा बर्फी को गेहूं को भिगोकर स्प्राउट होने के बाद उसे दरदरा पीसकर और फिर भूनकर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दलिया से भी डोडा बर्फी काफ़ी आसानी से बन जाएगी। तो दलिया को यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लिया था जिससे कि उसकी गंदगी साफ़ हो जाए और फिर उसे देसी घी में डालकर थोड़ा सा भून लेना है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा सफ़ेद रंग दिखाई देने लगेगा, यानी दाने दाने आपको भून जाने के बाद हल्के से सफ़ेद दिखने लगेंगे, तब मैं इसमें डाल दूंगी 3 कप दूध और थोड़ा सा क्रीम भी साथ ही साथ डाल दे रही हूँ और फिर ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेना है। तो इससे दलिया के एक एक दाने एकदम अच्छे से खिल जाएंगे और पक जाएंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो 5 मिनट में दलिया पक के यहाँ तैयार हो जाता है और एक बार प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तब मैं ये जो दलिया है इसे प्रेशर कुकर में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर ठंडा हो गया, तो अब ढक्कन हटाकर दलिया चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दलिया अच्छे से पक गया है, हर एक दाना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आज जो डोडा बर्फी मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर के करीब फुल फैट दूध था जो कि ख़राब हो गया था, उसका छेना बन गया था, तो इसी से बनाऊँगी। तो इसे फेंकूँगी नहीं, इसे सबसे पहले तो छान कर इसका पानी अलग कर लेना है। आप यहाँ पर छेना की क्वांटिटी से ही देख सकते हैं कि ये फुल फैट मिल्क है, यानी छेने की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसे छान लेना है एक सूती कपड़े में और फिर इसे करीब 5 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हल्के हाथों से इसे मैं निचोड़ भी लूँगी जिससे कि एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाए और तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें घंटों तक दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दही डालकर दूध का वैसे भी छेना बना ही देते हैं डोडा बर्फी पकाते समय, तो यहाँ पर ना हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी ना ही दूध को घंटों तक पकाना पड़ेगा और झट से ये डोडा बर्फी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर ये जो दलिया पक गया है इसे मैं एक बड़े से पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे फिर से थोड़ा सा गर्म कर लें, तब तक चलिए छेना भी चेक कर लेते हैं। तो छेना यहाँ पर देखिए मैंने एक बोल में निकाल लिया है, इसे हल्का सा मैं मसल कर फोड़ लूँगी ताकि इसकी बड़ी गुठलियाँ ना हो और एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला ये छेना बन जाएगा। जिस तरीके से रसगुल्ले के लिए छेना को मसल कर सॉफ्ट करते हैं उतना सॉफ्ट नहीं करना है, बस बड़ी गुठलियाँ ना हो इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ पर छेना तैयार हो गया है, दूसरी तरफ दलिया भी ये देखिए तो हल्का सा गर्म हो गया है। तो अब इसमें छेना डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसे दलिया के साथ भूनना है थोड़ा सा। यहाँ पर छेने को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मीठे के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 350 ग्राम के बराबर मिश्री। तो मिश्री बहुत ही हेल्दी होती है, मिठाई भी हमारी हेल्दी और टेस्टी बनेगी, तो मिश्री को मैंने यहाँ यूज़ किया है। आप मिश्री की जगह नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 350 ग्राम के बराबर मैंने ये मिश्री डाली है, थोड़ा सा इसे तोड़ लिया है जिससे कि ये जल्दी घुल जाएगी और यहाँ पर दलिया के साथ अच्छे से मिक्स करके छोड़ दें। धीरे धीरे ये पूरी की पूरी मिश्री अच्छे से घुल जाएगी और यहाँ पर कलर देने के लिए 1/4 कप के बराबर मैंने कोको पाउडर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर डार्क वाला यूज़ किया है इसीलिए मिठाई का रंग हल्का सा गाढ़ा आया है। आप हल्के रंग वाला कोको पाउडर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोको पाउडर को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी दलिया और चीनी के मिक्सचर के साथ और इसे पकाना है जब तक ये पूरा मिक्सचर एकदम अच्छे से पक के गाढ़ा ना होने लगे। बीच बीच में देसी घी भी डालना है और देसी घी के साथ इस मिठाई की भुनाई करनी है और पूरा मिक्सचर एकदम आटे की तरह गाढ़ा हो जाएगा और पैन से छूटने लगेगा, तभी समझिए कि बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी पड़ेंगी लेकिन ये हमारा मेन मिक्सचर जो है मैंने डाल दिया है और इसी से ये पूरा मिक्सचर पकेगा और इसका पूरा टेक्सचर इसी से बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए चीनी धीरे धीरे जैसे जैसे घुलेगी, सबसे पहले तो ये मिक्सचर हल्का सा पतला होगा और फिर जब ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा तो झट से ये एकदम आटे के रूप में तैयार हो जाएगा। कलर को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है या आप केसर फूड कलर भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्सचर में बाइंडिंग आ जाए झट से, इसके लिए 1/3 कप के बराबर मैंने मिल्क पाउडर डाला है और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो मिल्क पाउडर डाल देने से झट से इस मिक्सचर में बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे बाइंडिंग आने लगा है, इसे करीब 5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगातार चलाने से ये तले में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में हल्का सा उबाल जैसा आने लगा है, यानी कि ये मिक्सचर काफ़ी अच्छे से हमारा पक भी रहा है और पैन से भी देखिए धीरे धीरे छूटने लगा है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालते रहना है और इसे पकाना है। देसी घी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमने छेना यूज़ किया था वो भी बिना फैट निकाले पूरा का पूरा फैट के साथ ही पड़ा हुआ है और इतने पूरे मिक्सचर में 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा देसी घी नहीं लगेगा। दलिया को भूनते समय भी देसी घी डाला था और फिर बीच में एक बार देसी घी और मैंने करीब 2 चम्मच के बराबर डाल दिया था। तो अभी 2 से 3 चम्मच देसी घी और लगेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस मिक्सचर को भून लेना है अच्छे से। थोड़े से बारीक कटे हुए अखरोट और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम उसे भी डाल दिए हैं। और देखिए देसी घी डालने के बाद अभी पूरा मिक्सचर वापस एक साथ आने लगा है। देसी घी थोड़ा छूट रहा है, इतने अच्छे से ये मिक्सचर अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये मिक्सचर भी अच्छे से गाढ़ा हो गया और साथ ही साथ अब इस मिक्सचर में देसी घी की ज़रूरत नहीं है, यानी ये मिक्सचर हमारा पूरा तैयार है बर्फ़ी जमाए जाने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने एक स्टील की बड़ी प्लेट ली है, उसे देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ऊपर से थोड़े से पिस्ता के बारीक कतरन से गार्निश करके इसे मैंने तैयार रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये देखिए डोडा बर्फ़ी के मिक्सचर को भी चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट, एकदम गाढ़ा हो गया है और टेक्स्चर इसका एकदम बर्फ़ी जमाए जैसा है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप झट से मैंने इसे माइक्रोवेव में तैयार किया है और इसे डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि बर्फ़ी हमारी एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा मुँह में घुल जाने वाला इसका टेक्स्चर और टेस्ट आएगा। तो कॉर्न सिरप डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे मैं तुरंत ही प्लेट में पलट के सेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से प्लेट में मैंने फैला दिया है और इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद इसके छोटे छोटे क्यूब्स में बर्फियाँ काट कर आप स्टोर कर लें और त्योहारों में इसे सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिठाई बन के तैयार होती है। सबसे ख़ास बात, टेस्ट में जितनी ज़बरदस्त है बनाने में उतनी ही आसान तरीके से आज मैंने आपको बताया है। तो आपको बहुत ही देर तक इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झट से ये डोडा बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा चॉकलेट इसमें ज़्यादा डाल दें तो एक चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाता है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है ये। तो आप एक बार इस मिठाई को इस त्यौहार में ज़रूर बनाकर देखें, गारंटी है लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आप भी इसे हमेशा बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है, मैंने छोटे टुकड़ों में इसे काट भी लिया है। तो अब एकदम सावधानी से हल्के हाथों से इसे प्लेट में से अलग करना है। बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी होती है तो इसके किनारे हो सकते हैं थोड़े से ख़राब हो जाएं, तो आप उसे फिर से चिकना करके स्टोर कर लीजिए। ये देखिए तो एकदम अच्छे तरीके से ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। एक बार एक मिठाई आपने निकाल ली, उसके बाद झट से सारी की सारी बर्फ़ी फटाफट प्लेट में से आसानी से निकल जाती है। थोड़ी सी बस जगह बनाने की ज़रूरत है। ये देखिए एकदम झट से बर्फियाँ प्लेट में से अलग हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये डोडा बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। ये देखिए डोडा बर्फ़ी को निकाल लेने के बाद ऊपर से मैंने पिस्ता की कतरन से तो गार्निश किया ही है, यहाँ पर मैंने फिर बादाम को भी 2 टुकड़ों में काट कर, तो एक एक टुकड़े एक एक बर्फ़ी के ऊपर मैंने रख लिए हैं। उससे भी गार्निश कर सकते हैं या एक एक टुकड़े अखरोट के लगा लें या एक एक टुकड़े आप काजू के लगा लें, उससे भी गार्निश कर लें तो अभी भी ये मिठाई दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। तो आप अपने हिसाब से इसे गार्निश करके सर्व करिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।